Hello guys, welcome back to Teach Me Cloud. Guys, I am Manjeet Rawat, your online instructor. So, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे AWS की सर्विस है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आज वॉल्यूम स्नैपशॉट. Amazon पोर्टल के ऊपर जब भी आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं तो उसमें जो एडिशनल हार्ड डिस्क लगाते हैं या जो बिल्ट इन हार्ड डिस्क अपने उस इंस्टेंस के साथ आती है उसका स्नैपशॉट कैसे हम क्रिएट करते हैं और कैसे उसको रिकवर करते हैं, रिस्टोर करते हैं. तो बिल्कुल क्लियर है कि जो स्नैपशॉट हम बात करने वाले हैं उसको हम दो तरीके से मैनेज करेंगे. एक तो अपने पास मैनुअल स्नैपशॉट, जिसमें आपको प्रोसीड करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, तब आप मैनुअली स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं. मीन्स आपको अपनी तरफ से उसको कॉन्फिगर करना पड़ेगा. लेकिन जो स्केड्यूल स्नैपशॉट है उसमें आप एक टाइमिंग डिसाइड कर लेंगे कि हमें एवरी फ्राइडे इवनिंग को इस मशीन का, इस पर्टिकुलर हार्ड डिस्क का स्नैपशॉट अपने आप क्रिएट हो जाए. तो दोनों तरीके हैं अपने पास, हम इनका दोनों प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे प्रोसीड करना है हमें. तो हमने आपकी सेटअप के लिए अपने पोर्टल पे एक इंस्टेंस क्रिएट कर रखा है और हम बिल्कुल प्रॉपरली उस पर प्रैक्टिकल देखने वाले हैं. तो मूव करते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे. तो ये अपने पास AWS का पोर्टल है. हमें सबसे पहले Amazon का पोर्टल अपना लॉगिन करा लेना है. वी नो दैट कि अपनी जो इंस्टेंस रहती है वो EC2 के पैनल में दिखाई पड़ेगी, मीन्स कंप्यूट के डैशबोर्ड में दिखाई पड़ेगा. तो यहाँ से हम चेक कर लेते हैं कि अपने पास कितने इंस्टेंस हैं. तो रनिंग इंस्टेंस की बात करें तो एक रनिंग इंस्टेंस है जो कि विंडोज़ का है, हमने अभी क्रिएट किया है इस प्रैक्टिकल के लिए. ठीक है, ये रनिंग इंस्टेंस अपने पास विंडोज़ सर्वर 2012 का है. और अगर हम डैशबोर्ड पे देखें तो इस डैशबोर्ड में, मतलब इस वर्चुअल मशीन में एक हार्ड डिस्क कनेक्टेड है, जो वो फ्री बाई डिफॉल्ट 30 GB की हार्ड डिस्क आती है, सेम कनेक्टेड है. अब हम इसका RDP देख लेते हैं. ये अपने पास RDP जो इंस्टेंस हमने क्रिएट कर रखा है उसकी RDP है, रिमोट डेस्कटॉप है. तो एक बार कंफर्म कर लेते हैं डिस्क mgmt.msc करके, जिससे हमें ये क्लियर हो जाए हार्ड डिस्क की कैपेसिटी. ठीक है, तो अभी डिफॉल्ट हार्ड डिस्क अवेलेबल है यहाँ पे 30 GB की. हम स्नैपशॉट का प्रैक्टिकल देखने वाले हैं तो हमें क्या करना है, अपने पोर्टल पे जा करके एक वॉल्यूम अटैच कर लेते हैं. पहली चीज़ तो हम क्लियर कर लेते हैं कि हमारा लोकेशन क्या है. दिस इज़ US East 1D. तो आप डैशबोर्ड में चलेंगे, वॉल्यूम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रिएट वॉल्यूम कर देते हैं. क्रिएट वॉल्यूम में सबसे पहले हमें क्या करना है, साइज़ डिसाइड कर लेनी है. तो हम ज़्यादा नहीं, 5 GB की हार्ड डिस्क अटैच कर लेते हैं क्योंकि हमें प्रैक्टिकल देखना है. और कन्फर्म कर लेते हैं लोकेशन, क्योंकि हमारी जो वर्चुअल मशीन है सेम लोकेशन में अवेलेबल है. ठीक है, और यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं. अब जैसे इंस्टेंस वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, आपके इस पैनल पे, मीन्स वॉल्यूम के पैनल पे दो वॉल्यूम दिखने लगेगी, एक इन यूज़ दिखाई पड़ रहा है और दूसरा अवेलेबल है, इन द सेंस कनेक्टेड नहीं है, इन यूज नहीं है, अवेलेबल है, इन द सेंस आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो. आपको सेलेक्ट करना है वॉल्यूम को, एक्शन पे जाना है और आप यहाँ पे देखो अटैच वॉल्यूम, चौथा ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है अटैच वॉल्यूम का. आप क्लिक करेंगे इस पर, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आप देखो तो दिखाई पड़ रहा है रनिंग इंस्टेंस. तो रनिंग इंस्टेंस में आपको सेलेक्ट करना है कौन से इंस्टेंस पे आप इसको कनेक्ट करना चाहते हैं. तो आप अटैच कर देंगे और अटैच करने के बाद हम इस पैनल को रिफ्रेश कर देते हैं और अपने RDP पे जाते हैं, जहाँ पे हमने इस वॉल्यूम, इस वर्चुअल मशीन को कनेक्ट कर रखा है. तो आप जैसे ही हमारी वॉल्यूम सेव हो जाती है प्रॉपर तरीके से, हमें ये वॉल्यूम 5 GB की जो हार्ड डिस्क हमने अटैच की है ये हमें RDP में दिखने लगेगी. तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं, 30 से 35 सेकंड का टाइम लेगा ये सेव करने में. ठीक है, तो ओके, पैनल को रिफ्रेश कर देते हैं पूरे. डन, थोड़ा सा टाइम लेगा, अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट के आसपास का. तो हमें इंतज़ार कर लेना है, आप रिफ्रेश कर सकते हैं इसको. ओके, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे अवेलेबल वॉल्यूम हो गई है. हम एक बार फिर से चलते हैं अपने इंस्टेंस पे. तो अब देखो यहाँ पे 5 GB की हार्ड डिस्क एक एडिशनल अटैच हो चुकी है. हम इसमें कुछ डेटा रख लेते हैं. तो सबसे पहले डेटा रखने के लिए हमें इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा. आप इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है, MVR GPT कोई सा भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे. ठीक है, और यहाँ पे हम इसको प्रोसीड विथ न्यू सिंपल वॉल्यूम, एक नई वॉल्यूम क्रिएट कर लेते हैं.
डन, डी ड्राइव हमने क्रिएट कर ली है जो कि एडिशनल हार्ड डिस्क लगी है हमारी 5 GB की। उस 5 GB में हमने पूरी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करके डी ड्राइव कन्वर्ट कर ली है। जस्ट ओपन, हम इसको ओपन करते हैं और इसमें एक छोटा सा फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमें कन्फर्म रहे कि हम जो स्नैपशॉट ले रहे हैं इस पूरे डेटा के साथ ले रहे हैं। तो टेस्ट के नाम से हमने फोल्डर बना दिया और साथ ही साथ इसमें कुछ टेक्स्ट फाइल भी रख लेते हैं, लाइक एज नोटपैड की फाइलें रख लेते हैं, ठीक है, TXT फाइल रख लेते हैं यहाँ पे। ओपन, दिस इज टेस्ट फाइल, ठीक है, ओनली फॉर द टेस्टिंग पर्पज हमने इसको सेव कर लिया। तो ये वॉल्यूम हो गई, ये अपने पास एजेंडा हो गया कि आपने पहले वर्चुअल मशीन क्रिएट किया, जो वर्चुअल मशीन ऑलरेडी रन कर रही है और उसमें एक हार्ड डिस्क हमने एडिशनल ऐड की ताकि हम स्नैपशॉट ले सकें, उसके प्रोसीजर को जान सकें। हमें क्या करना है, अब पोर्टल पे चलना है हमें, और अभी आप देख रहे हो तो स्नैपशॉट के पैनल पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे 0 दिखाई पड़ रहा है। आप वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे, 5 GB स्नैपशॉट है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मैनुअल स्नैपशॉट, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे आप मैनुअल स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर करते हैं। एक दो मशीन सिस्टम्स हैं या हार्ड डिस्क है तो मैनुअल स्नैपशॉट आप कर सकते हैं। जब आपके पास मल्टीपल वर्चुअल मशीन है और आपको हर तीसरे दिन या हर पांचवें दिन स्नैपशॉट लेने की ज़रूरत पड़ती है तो आप स्केड्यूल पे जाएंगे जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। एक आपको सेट कर देना है, शेड्यूल लगा देना है, उस डेट में उस टाइम पे आते ही आपका आपके वॉल्यूम का स्नैपशॉट ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। तो पहले मैनुअल चेक कर लेते हैं। मैनुअल के केस में आपको उस वॉल्यूम आईडी को कॉपी कर लेना है जिसका स्नैपशॉट आप प्लान कर रहे हो। आप यहाँ पे एक्शन पे जाओगे तो यहाँ पे भी ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है स्नैपशॉट क्रिएट करने का। इवन आप अगर डैश बोर्ड पे जा करके स्नैपशॉट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। दोनों ऑप्शन है अपने पास, कहीं से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आप वॉल्यूम पेस्ट कर दीजिए, वॉल्यूम आईडी पेस्ट कर देंगे अपना, और यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया मैनुअल स्नैपशॉट, ठीक है, और क्लिक क्रिएट। एज पर द डेटा, जितना भी हार्ड डिस्क का साइज है और उसके अंदर जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग ये टाइम लेगा। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी 23% हमारा स्नैपशॉट क्रिएट हुआ है, पेंडिंग दिखा रहा है। तो जैसे ही 100% स्नैपशॉट होता है हम क्या करेंगे, जो वॉल्यूम हमने वर्चुअल मशीन के साथ अटैच की है उस वॉल्यूम को डिलीट करेंगे और फिर इस स्नैपशॉट की वॉल्यूम से हम रिकवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 100% कंप्लीटेड हो गया तो आप डैशबोर्ड में जाओ और डैशबोर्ड में आप देख रहे हो कि यहाँ पे स्नैपशॉट एक क्रिएट हो गया जो हमने 5 GB का क्रिएट किया। ये वॉल्यूम अभी अटैच है, वॉल्यूम अटैच है तो इन द सेंस कि आपके पास डेटा भी इसके साथ अवेलेबल होगा। टेस्ट फाइल हमने जो क्रिएट किए थे वो ऑलरेडी अवेलेबल है। हम अपने वॉल्यूम में जाते हैं, इस वॉल्यूम को डी अटैच करके डिलीट कर देते हैं, ठीक है, ताकि हम चेक कर सकें कि अपने पास जो स्नैपशॉट है वो फाइल के थ्रू आप दोबारा उस हार्ड डिस्क को फिर से अटैच कर सकते हैं जो हमने स्नैपशॉट वाले पैनल में रखी है या क्रिएट कर रखी है। तो ये हमने डी अटैच किया और डी अटैच करने के जस्ट बाद हमने वॉल्यूम को डिलीट कर दिया, राइट। तो वॉल्यूम डिलीट होते ही आपके इंस्टेंस में से वो 5 GB की डिस्क जो हमने अटैच की थी वो गायब हो चुकी है, मीन्स डेटा भी जा चुका है। बट गुड थिंग इज दैट कि हमने पहले से उसका स्नैपशॉट ले रखा है। तो स्नैपशॉट जो है उस पर जाएंगे, इसको रिस्टोर करते हैं। रिस्टोर करने के लिए एक्शन पे जाना है आपने और यहाँ पे क्रिएट वॉल्यूम का ऑप्शन है, क्रिएट वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे। बाई डिफॉल्ट 5 GB है, एज इट इज रखने देते हैं। लोकेशन आप चेंज कर दीजिए, जिस लोकेशन में आपने वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रखी थी उस लोकेशन में आपको मैनेज कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लोकेशन डिसाइड कर ली एंड क्रिएट। वॉल्यूम के आइकन पे जाएंगे, स्नैपशॉट एज इट इज रहने देते हैं। वॉल्यूम के आइकन पे जाएंगे तो यहाँ पे दो वॉल्यूम फिर से आ गई। आप इसको क्लिक करेंगे, एक्शन पे जाएंगे, अटैच पे जाएंगे और यहाँ पे अगेन सेम ऑप्शन, कनेक्ट विथ वर्चुअल मशीन। आपने BM को सेलेक्ट किया और अभी आप यहाँ पे देखो डी ड्राइव फिर से अवेलेबल है। ओपन किया आपने, टेस्ट फोल्डर जो हमने क्रिएट कर रखा था ना वो फिर से आपको दिखाई पड़ गया। तो ये प्रोसीजर हुआ स्नैपशॉट का, मैनुअल कैसे हम आप स्नैपशॉट कॉन्फिगर करते हैं। लेकिन जब आपके पास मल्टीपल BMs हैं तो उस केस में क्या करेंगे, या आपको हर तीसरे दिन स्नैपशॉट लेने की ज़रूरत पड़ जाती है तो उसके लिए हम शेड्यूल लगाएंगे। और शेड्यूल के लिए क्या करना है, हमें अपने उस वॉल्यूम पे आना है। पहले तो हम वॉल्यूम पे चलते हैं और ये 5 GB की वॉल्यूम है जिसको स्नैपशॉट हमने प्लान कर रखा है कॉन्फ़िगर करने के लिए। वॉल्यूम को कॉपी करेंगे, सर्विसेज पे क्लिक करेंगे और इस बार हम दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे, दिस इज़ द मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस, यहाँ पे क्लाउड वॉच पे क्लिक कर देंगे।
ठीक है, हमने क्लाउड वॉच पे क्लिक किया और क्लाउड वॉच पे क्लिक करने के बाद इस पैनल के लेफ्ट साइड में देखिए कई सारे ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं जिसमें से हमें सेलेक्ट करना है रूल्स को। आप रूल्स पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे कोई भी रूल्स नहीं है, आप क्रिएट रूल पे जाएंगे, दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है इवेंट पैटर्न और शेड्यूल। तो आप क्या करना है, हमें शेड्यूल करना है, ये है फिक्स रेट, मीन्स इन द सेंस कि कितनी देर में, 5 मिनट में या 5 घंटे में या 5 दिन में, आप अपने अकॉर्डिंग एक टाइम डिसाइड कर लेंगे कि आफ्टर 5 डेज ये इंस्टेंस का स्नैपशॉट बनता रहे। अगर आपको लगता है नहीं डेज नहीं करना है तो आप यहाँ पे मैनुअली डेट और टाइम मेंशन कर देंगे, डेज मेंशन कर देंगे, जिससे आपका उस टाइम पे आने पर मशीन, जैसे ही वो टाइम होगा आपका इंस्टेंस आपके वॉल्यूम का स्नैपशॉट ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे फिक्स रेट कर लेते हैं क्योंकि हमें प्रैक्टिकल देखना है और इसकी जो टाइमिंग है हम 1 मिनट कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको आसानी से टाइम वेस्ट किए बिना आपको ये चीज़ें दिखाई पड़ जाएँ। ये टाइमिंग शेड्यूल हो गई, ये टारगेट है, राइट पैनल पे ऐड टारगेट पे क्लिक करना है आपको और फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पे सर्च करना है बेसिकली ये ईसी टू क्रिएट स्नैपशॉट API, ये ऑटोमेटिक है, ईसी टू क्रिएट स्नैपशॉट API कॉल। आप इसमें अपने वॉल्यूम की ID जो हमने कॉपी की थी 5 GB के, उसको आप पेस्ट करेंगे एंड क्लिक कॉन्फिगर डिटेल, नाम दे सकते हैं यहाँ पे, शेड्यूल कर देते हैं हम स्नैपशॉट, ठीक है, और नो नीड टू डू एनीथिंग, अब क्रिएट रूल कर देंगे। अब हमें टाइमिंग पे ध्यान रखना है कि टाइमिंग क्या हो रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। डैशबोर्ड पे चलते हैं, अपने कंसोल वाले पैनल पे, EC2 के पैनल पे चलते हैं और अभी अपने पास कितने स्नैपशॉट हैं वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक स्नैपशॉट है जो हमने मैनुअल कॉन्फिगर किया था। टाइमिंग की बात करें तो 5:21 PM हो रहा है IST में, तो 21 इन द सेंस नेक्स्ट जो पहला स्नैपशॉट हमारा बन के ये रेडी हो गया 5:21 21 मिनट 16 सेकेंड, ठीक है, ये स्नैपशॉट क्रिएट हुआ। अगला जो स्नैपशॉट बनेगा हमारा 5:22 16 सेकेंड पे बनेगा, मीन्स हर 1 मिनट के गैप पे ये आपको स्नैपशॉट क्रिएट करना है, स्टार्ट कर देगा। तो ये तो हमने जानबूझ के 1 मिनट सेलेक्ट किया है ताकि आपको ये टास्क समझ में आ जाए, क्लियरली समझ में आए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सेम एज इट इज़ आप क्या कर सकते हो कि आप एक टाइम डिसाइड कर सकते हो, 1 हफ्ते के, 5 दिन का, 6 दिन का, 7 दिन का, उसके अकॉर्डिंग भी आप मैनेज कर सकते हो, राइट। तो ये स्नैपशॉट हुआ, हम थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं कि अपने पास वो उस पर्टिकुलर टाइम जोन पे पहुंच जाए जो हमने शेड्यूल किया है, ताकि हमें ये रिजल्ट लाइव दिखाई पड़ जाए। 2 स्नैपशॉट हैं अभी, है ना, टाइमिंग हमारी नहीं हुई है, हर 1 मिनट के गैप पे ये स्नैपशॉट बनाता जाएगा क्योंकि हमने जो बैकएंड में इसकी शेड्यूलिंग की है वो 5:21 उसके बाद 1-1 मिनट के गैप पे ये स्नैपशॉट इसका क्रिएट करता जाएगा। ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पज के लिए है। अगर आप अपने पोर्टल पे ऐसा प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो आप जैसे ये प्रैक्टिकल ख़त्म हो, आप कन्फर्म करने के बाद अपना रोल डिलीट कर दीजिए, अदरवाइज अगर आप ये भूल गए रोल क्रिएट करके तो ये वॉल्यूम आपका बनाता जाएगा, और गलती से आपने फ्रीक्वेंसी जो है 2 मिनट 5 मिनट या 1 मिनट रखी है तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड डिस्क क्रिएट कर देगा स्नैपशॉट, और यू नीड टू पे अमाउंट उसके लिए, फिर आपको बिल देना पड़ जाएगा। रिफ्रेश करते हैं, आपके पास अगली जो वॉल्यूम बनी वो अगली, ये देखो 5:22 16 सेकेंड पे, 5:21 16 सेकेंड पे, तो ये आपके पास 1-1 मिनट के गैप पे ये क्रिएट करता जाएगा, राइट। तो ये बेसिकली प्रोसीजर हुआ है। AWS EC2 इंस्टेंस में हम वॉल्यूम का स्नैपशॉट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, 2 तरीके हमने देखा, एक मैनुअल तरीका देखा और एक ऑटोमेटिक तरीका देखा। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको क्लाउड से रिलेटेड कोई भी वीडियो या कोई भी ट्यूटोरियल देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको प्रॉपर तरीके से अपडेट मिलती रहे, Azure की डिटेल हो या आपके पास Amazon वेब सर्विसेज हो या VMware के डिफरेंट वर्जन हो, 6.0, 6.5, ठीक है, 6.7, तो आपको इस तरीके की वीडियो अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, विल मीट सून विद न्यू वीडियो।